नमस्कार, बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगम रॉय। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को लेकर देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे मजदूर अपने अपने घर आने को लेकर परेशान हैं। इसी कड़ी में कदवा थाना क्षेत्र के बढ़िया ग्राम निवासी क्रमशः 45 वर्षीय लाल बहादुर दास एवं उनकी पत्नी 40 वर्षीय फुलसरी देवी का भाई 25 वर्षीय लाल मोहन कुमार दास हरियाणा के गुड़गांव से कदवा थाना साइकिल से पहुंचे। इन लोगों ने बताया कि गुड़गांव से यहां तक आने में 15 दिन लगे हैं। इन तीनों प्रवासी मजदूरों को कदवा थाना अध्यक्ष राजीव कुमार झा के निर्देश पर नाश्ता एवं भोजन कराने के बाद बदवाबारी क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। दिक्कत नहीं, बिहार में दिक्कत हो गया, यूपी में मतलब क्यों दिक्कत नहीं हो रहा था? यूपी में सड़क पर जाने देता था सर, यूपी वाले पुलिस जो है खाना खिला रहा था, उसके बाद पैसे दे रहा था, किसी को पानी उनी सब उसका गाड़ी में बैठा रहा था, सब कर रहा था। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है जो ये भाई साहब बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो खाना खिला रही थी, गाड़ी में बैठा रहे थे। और लॉकडाउन से कामकाज बंद हो जाने के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का पलायन का सिलसिला जारी है। हर रोज मजदूर पैदल साइकिल से चलते हुए अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। कई प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपने अपने घर की ओर चले आ रहे हैं। समाचार प्रेसर तक कदवा के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में 1500 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। पुलिस अब तक आपके साथ कैसे व्यवहार की है? बस कदवा पुलिस अच्छा है, जैसे आया मतलब बिस्किट पानी मतलब पैसा दिया था, उसके बाद चावल भी खिलाया तीनों आदमी को पेट भर के। अच्छा है कदवा पुलिस। हरियाणा से सिविल में भी चाहिए, वहाँ से आने का कारण ये मतलब वहाँ काम धंधा बंद हो गया बस यही कारण है। वहाँ से आने में आपके साथ क्या क्या परेशानी हुई? देखो सर, परेशानी तो सर यूपी में मतलब कुछ परेशानी नहीं हुआ, आने में बिहार में बस परेशानी होगा, यूपी में कुछ नहीं। यूपी में कुछ नहीं, यूपी योगी सरकार बच रही है और वहाँ का प्रशासन वहाँ जनता सही है, बस बिहार में कुछ नहीं हुआ। आपका परिचय? मेरा लाल बहादुर है, मेरा घर बढ़िया होगा, थाना कदवा, पंचायत जिला कटिहार, बिहार।